जैसे बैंक से सोचते थे कि जल्दी मतलब यहाँ से बैंक से निकल जाए और शाम को जैसे आके बस पढ़ना चालू कर दे। तो 7 बजे पहले सर आते थे, कौन ठीक है, पढ़ते थे उसको, अच्छा 1 घंटा अगर टाइम दिया हमने तो हाँ, 1 घंटा, तो 1 घंटा कब तक, 2 घंटे बोला था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में सॉल्व होते ही नहीं थे ना। एक घंटा से कब 2 घंटा में कब चेंज हुआ पता ही नहीं चलता था। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब के साथ तैयारी कैसे हो सकती है, कोई तरीका है पढ़ने का, या फिर मैं कोई भी मतलब एग्जाम कर रहा हूं या कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूं तो कैसे तैयारी करूं। आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाने वाला हूं कि जिनका सिलेक्शन लास्ट ईयर हो चुका था क्लर्क में और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इस साल भी तैयारी करी और इस बार पीओ में सिलेक्शन हुआ। तो मिलते हैं गौरव सिंह। गौरव ये बताइए कहाँ से हो बेटा आप? सर मैं कानपुर से हूँ सर, उत्तर प्रदेश सर। अच्छा, कानपुर से हो। तो गौरव, तुम्हारा यस सर। सिलेक्शन सबसे पहले कब हुआ था, कौन से बैंक में हुआ था? सर बैंक ऑफ इंडिया से हुआ था एज अ क्लर्क सर। एज अ क्लर्क कौन से ईयर में हुआ था? यस सर। सर 2020 सर, 2021 में। 2020 तो सर, अभी तो बीस तुम बीस बैंक में जॉब बीस कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी रेगुलर कर जस्ट रहे हैं ऑफिस सर। से आए हो? यस सर, अभी जस्ट ऑफिस आया सर। ओके, तो ये बताओ अभी, और लास्ट ईयर तुम्हारा क्लरिकल में हो गया था तो आपके लिए जर्नी थोड़ी आसान रही होगी, क्योंकि सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ था, बस उसी को रिवाइज करना था, क्यों? बिल्कुल सर, जर्नी सर आसान जरूर थी, बट सर टाइम तो सर था ही नहीं सर बिल्कुल। समझ एटलीस्ट सर सकता हूँ। शाम को आना और फिर पढ़ाई करना सर बहुत मतलब डिफिकल्ट था सर। तो तुम कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ कि यार जॉब के साथ प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, और मतलब कई बार ऐसा होता है कि आज का दिन बहुत काम कर लिया, दिमाग थक जाता है, घर में बिल्कुल लोग आ सर, गए है ना, और नहीं मन बिल्कुल करता, सर, फिर लगता है कि ठीक है यार ये नौकरी है तो इसी में कुछ अच्छा कर लेंगे। तो बिल्कुल सर। कैसे एक्चुअली मोटिवेशन आया सर तुम्हें? मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स सर, एक्चुअली पेरेंट्स ही बोलते थे कोई ना हो अच्छा जाएगा, अच्छा प्रयास मतलब प्रयास कर लो, एक एग्जाम को देख लो, एग्जाम चेक कर देख लो, हो जाएगा तो हाँ बस इसी सब। मैंने सर एक्चुअली पढ़ाई सर भले ही सर कम की हो, बस सिलेक्टिव स्टडीज ही मैंने की सर, क्योंकि बहुत पहले एग्जाम दे चुका था सर मैं, तो मुझे पता था क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, किसमें एक्चुअली ज्यादा टाइम देना है किसमें टाइम कम देना है। तो ओके। तो बैंक से जैसे आते कि थे तुम जैसे मुझे मैं, बताओ, ये तुमने कैसे डिसाइड किया, तुमने क्या क्या डिसाइड किया था कि किसको टाइम देना है किसको नहीं देना है? बिल्कुल सर, एक्चुअली जैसे बैंक से जैसे सोचते थे कि जल्दी मतलब यहाँ से बैंक से निकल जाए और हाँ शाम को जैसे आके बस पढ़ना चालू कर दे। तो सात अच्छा बजे पहले सर आते थे, ठीक कौन है, पढ़ते थे उसको, एक अच्छा घंटा अगर टाइम दिया हमने तो हाँ 1 घंटा, तो 1 घंटा कब सर 2 घंटे बोला था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि तो प्रॉब्लम अच्छा स्टार्टिंग में सॉल्व होते ही नहीं थे सर। यस सर, हाँ, समझ गया एक भाई। घंटा से कब 2 घंटा में सब चेंज हुआ पता ही नहीं चलता था। फिर सर फिर रीजनिंग का वक्त आता था कि फिर रीजनिंग करते थे सर, मैथ्स का रीजनिंग 9-10 बजे रीजनिंग चलती थी, फिर हाँ, खाना भी खा रहे हैं तो सर खाना के साथ सर इंग्लिश पढ़ते थे सर, क्योंकि अरे इंग्लिश या फिर भाई जनरल अवेयरनेस सर ऐसे टाइम रहे। और फिर सर रात के 11-12 बजे सोते थे तो मोबाइल में सर जो पर डे का सर वो होता है जनरल अवेयरनेस वाला, उसको हाँ, रिवाइज करते थे सर, उसको रिवाइज करते थे, मॉक टेस्ट मॉक भी उसको देते थे सर, रात में 11-12 बजे पढ़ रहे होते सर कि मतलब मॉक देंगे। फिर सर टेंशन होती है कि सुबह भी जाना है सर बैंक, और सुबह अरे पढ़ के और सुबह बैंक तो जाना ही सर, प्लस सुबह का जीके भी करना है सर साथ में। बाप रे, बस सर ऐसे ही सर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कब पता नहीं सर कब प्री निकल गया, कब मेंस निकल गया, कब इंटरव्यू हो गया। बस आप लोग की बहुत सर दुआ बढ़िया। है सर। नहीं यार, तो तुम सबसे पहले तो मुझे बताओ, चलो किसको, ये तो ये वाली जर्नी के बारे में बात नहीं करेंगे, जर्नी में बात करते हैं क्लर्क वाली, जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था बिल्कुल सर, क्या किया है तुमने बिल्कुल सर, ग्रेजुएशन में? सेलेक्शन बीटेक किया सर टेक्सटाइल में सर, बीटेक बीटेक इन किया है, टेक्सटाइल सर। तो बीटेक करने यस के सर। बाद बैंक क्यों? हाँ सर बीटेक करने के बाद बैंक क्यों सर, एक्चुअली सर हाँ वही वाला क्वेश्चन है सर, वही वाला क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, बीटेक बाय बैंकिंग आफ्टर बीटेक इन टेक्सटाइल। तो हाँ फिर वही मैं सर जानना चाहता वही हूँ, रियली सेम आंसर करना, कोई बनावटी आंसर नहीं। कोई बनाटी आंसर है, जो मैंने इंटरव्यू में दिया था वही आंसर आपको यहाँ भी दे देता हूँ सर। एक्चुअली वही सर, उस टाइम मेरे सर वो जॉब तो हो गया था, जॉब तो लगी थी बट वही प्राइवेट वाली जॉब लगी थी सर, उनकी अच्छा वही ईयरली पैकेज 2.4 लाख ही था सर। तो वही फिर ओके, जानते हाँ हैं सर प्राइवेट जॉब ये सब चीजें, तो वही सब आया कि ग्रेजुएशन के बाद सर गवर्नमेंट जॉब में ये तैयारी करना स्टार्ट करते हैं सर, तो फिर वही हाँ सर नहीं, चलते मैंने रहा हाँ सर। सही कह रहा, मैं बताऊं तुम्हें ऑनेस्टली, मेरे साथ भी बहुत फ्रेंड्स थे, तो वो यही बोलते हैं यार कि देखो 20-22 हज़ार की जॉब मिलती है और बहुत प्रेशर होता है और थोड़ा इनसिक्योरिटी भी रहती है, तो उससे बेटर कि जब मेहनत करनी है 1-2 साल, बीटेक आपके पास है तो आपको जॉब मिली जाएगी, बाद में टेंशन उतनी मिली जाएगी जितनी अभी मिल रही है, तो जी सर, अगर कहीं सिलेक्शन इलेक्शन हो गया तो बोला ज्यादा अच्छा है। तो वो वाली जर्नी के बाद तुमने कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन, ऑफलाइन पढ़ा कि ऑनलाइन पढ़ा, वो बताओ जरा एक बार यार। बिल्कुल सर,
स्टार्टिंग में तो सर मैंने ऑफलाइन बुक से तैयारी करना स्टार्ट किया था, बट बुक अच्छा से सर तो वही चीजें पहले तो एनालाइज किया कि मतलब बुक से सर वही चीजें, मतलब जो बुक से पढ़ता है वो आउटडेटेड है सर, मतलब बुक से पढ़ तो रहे है हैं बट बिल्कुल सर बुक से पढ़ तो रहे हैं पर जो मार्क देते हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट। मार्क में ना। से स्टार्टिंग में आते थे मेरे 2 नंबर आते थे, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर आउट ऑफ अरे 100, बाबू, वो भी क्लर्क में अच्छा सर, वो भी क्लर्क में सर, 100 में से कि किसी एक इंग्लिश सब्जेक्ट में? ओबे सर 100 में से सर, सीरियसली भाई, सही सर मैंने सर स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्टिंग किया था, मैंने 0 लेवल से प्रिपेयर किया सर मैंने, अच्छा अगस्त स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे 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 मतलब सारी यूट्यूब की मतलब वीडियो खोज मारी कि कहाँ से मतलब प्रिपेयर अच्छा बेटर कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं सर। सिर्फ फिर वाईफाई स्टडी था सर, वाईफाई स्टडी के नाम से हाँ सर मुझे चैनल मिला था, उसमें आप लोग हाँ थे सर, आप थे रीजनिंग में सर, वो पुनीत सर थे सर, इंग्लिश में विशाल सर थे, तो सब वहां से सर स्टार्टिंग जर्नी मतलब चलती रह गई सर। अच्छा और अच्छा वो मुझे हेल्प किया है पीओ एग्जाम निकालने में, कि मुझे पता था कि मैंने उस टाइम तैयारी की थी आप लोगों से, तो अब मुझे बेटर मिल सकता है आप लोग की तैयारी आपके साथ जुड़ जाए, तो बस सर फिर मतलब चलता है रास्ता। बट वही जब बात है तुम्हारा सर, ये जो बताओ, 3 साल तुम्हारे की यार जो बहुत अच्छा लग जर्नी रहा है, है मुझे, 2 नंबर 3 नंबर जब तुम्हारे आते थे तो तुम्हें कभी कभी बिल्कुल लगता नहीं था सर कि बैंक बिल्कुल बहुत टफ है यार? सर, बहुत सर डिमोटिवेशन था, बहुत डिमोटिवेशन लगता था कि सुबह मॉर्निंग एग्जाम दिया, 100 में से कोई मतलब ना इंग्लिश सॉल्व हुए, ना मैथ सॉल्व हुए, ना रीजनिंग, मतलब इंग्लिश आती मतलब इंग्लिश में अच्छे मतलब थे सर अच्छे, बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे थे इंग्लिश में, बट वो जो कॉम्पिटिशन वाली इंग्लिश होती है वो बिल्कुल अलग होती सर, सही बात है। 100 में से 2 नंबर, 100 में से 2 नंबर सर मेरे आती थे एज अ क्लर्क में सर दिए मॉक टेस्ट में, तो इतना डिमोटिवेशन होता था शाम को कि अरे अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्यों मतलब बैंक में आ गए, क्यों बैंक तैयारी कर रहे हैं, इसी से मतलब वही जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब तो अच्छा रहता सर। भाई बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं मतलब लिटरली ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं मतलब इस वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा कि पॉसिबल है। तो फिर ये बताओ तुमने कैसे स्टार्ट किया वहां से? फिर तुमने, चलो टीचर तुम्हें मिल गए, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ वो जर्नी बताओ जरा। बिल्कुल सर इम्प्रूवमेंट सर, एक्चुअली मैंने सर यूट्यूब वीडियोस को डाउनलोड करना स्टार्ट किया, कि ठीक मैं है सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर मतलब पहले मैथ्स पढ़ता था, मैथ्स एनालाइज करता था क्या कौन से वीक मेरे सेक्शन है, कौन से इसमें इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ऐसे मुझे बहुत टफ था, टाइम एंड वर्क बहुत टफ लगता था सर, टाइम एंड अच्छा वर्क हो गया यस सर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्टिंग में टफ लगा बाद में आसान हो गया था, बट टाइम एंड वर्क सर आज भी मुझे बहुत टफ लगता है सर। तो मुझे पता था क्या सर एक्चुअली एग्जाम देने में सर आपको 2 चीज बतानी चाहिए, आपको क्या छोड़ना है और किसको आपको इम्प्रूव करना है सर, बहुत बढ़िया, ये बात ऐसे तुमने सर मतलब यस सर पूरी मतलब अच्छी बोली। यस सर। पीओ एग्जाम सर जो होता है मेंस का, वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सर, आपको सर आता सब कुछ है सर, पर साइकोलॉजी टेस्ट होता है प्रेशर की कौन सा आपको सेलेक्ट करना है और किसको आपको अटेम्प्ट सही करना है बात सर, है, सही बात है। पूरा सर एग्जाम बस इसी पर डिपेंड करता है सर। तो बस वही चीज कह रहा था कि मैंने सर वही एनालाइज करना स्टार्ट किया कि किसमें मैं जो वीक हूँ उसको किसको इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं सर, बस उसी पे मैंने फोकस किया सर, और ये सर सारे और सब्जेक्ट का है सर अच्छा मतलब यस चारों सर, सब्जेक्ट का? अच्छा शुरुआत चारों में तरह कोई का सर चैलेंजिंग सब्जेक्ट तुम वाले रहा होगी, यार ये सब्जेक्ट बड़ा परेशान कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट मेरी रोटियां खा जी देगा। कौन? है सर, जी है सर, जीए जीए तो जीए जनरल कैसे नॉलेज हैं? सर सीरियसली मतलब उसमें ऐसा लगता था कि बस कट ऑफ निकल जाए सर, नहीं, नहीं समझ सकता हूँ। फिर कैसे किया तुमने? फिर सर बस सर बस स्टार्ट डेली सर एक्चुअली स्टार्टिंग में सर को 1 लाइन पढ़ते थे, 1 लाइन पढ़ लिया सर, मंथली का जो होता है सर पूरा पैकेज स्टार्टिंग होता है वगैरह? वो पढ़ लिया मैंने यस सर, तो उससे कोई फर्क इम्प्रूवमेंट कोई होता ही नहीं सर उससे, उसमें आपको मतलब सारे बिल्कुल सर कोई फर्क होता ही नहीं सर, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सारे ऑप्शन जो होते हैं चारों वो सेम लगेंगे, कौन सा सेलेक्ट करूँ मैं, उसको इम्प्रूव होता ही नहीं था, इसलिए सर डेली पढ़ना स्टार्ट किया मैंने सर, कि डेली मतलब सुबह पढ़ते थे मतलब कि 1 घंटा उसको दिया मैंने सेपरेट टाइमिंग के लिए, फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट सर जीए में होने लगा सर, अच्छा, और सर जीए को रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है सर रेगुलर सर वरना पता चला लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, नहीं वो अलग था, ये लगता है। बिल्कुल सर, सारे सब मिक्स लगते हैं सब सेम है सर, सबको सेम लगता है एग्जाम टाइम नहीं बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब जैसे तुम ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हो क्लर्क में, अभी तुम्हारा चल रहा है, अब यस सर तुम्हारा पीओ भी हो गया, तो अभी मतलब यहाँ पे जर्नी खत्म हो गई कि यहाँ से कोई नई जर्नी स्टार्ट होती है? नहीं सर, जर्नी सर खत्म नहीं होनी चाहिए सर, लाइफ में सर आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही सर एक्चुअली मेरा प्रमोशन भी सर नेक्स्ट ईयर ही है सर, मतलब कंप्लीट अच्छा सेम और ईयर सर, हाँ स्किल वन नहीं, ऑफिसर हो जाएगा, बट सर मैंने एक एक साल जो जो गैप है उसको मैंने सोचा कि 1 साल पहले ही हो जाए तो और बेटर है सर, इसीलिए सर मैंने अलग से तैयारी की है सर इसके तो लिए, अभी तुम्हें कौन तो सा बैंक जर्नी मिला सर है? स्टॉप नहीं है सर, अभी कौन यूनियन सा बैंक ऑफ बैंक? इंडिया यूबीआई सर, यूनियन यूबीआई। बैंक और ऑफ इंडिया अभी तुम किस में जॉब कर रहे हो? यूको बैंक? नहीं सर, बैंक ऑफ इंडिया सर अभी बैंक ऑफ इंडिया में? अब यूज ठीक है। तो अभी यस सबसे सर पहले जब तुम्हारा ये रिजल्ट आया आईबीपीएस पीओ का, तुमने किसको बताया मम्मी पापा में से?
पहले से मम्मी को, फिर पापा को, फिर सिस्टर को। सर अच्छा, तो घर वालों ने क्या रिएक्शन दिया घर वालों का? सर घर वाले सर उनको पहले तो कुछ पॉज थे सर, कुछ तो बोले नहीं क्योंकि सर एक्चुअली इंटरव्यू सर बहुत मेरा थोड़ा वैसा गया था कि मतलब कि हो चाहे ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि एक्चुअली इंटरव्यू में सर मैंने दो बात सीखी जरूर कि क्या? इंटरव्यू में आपका सर नॉलेज टेस्ट सर एक्चुअली नहीं होता सर, अच्छा इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट ये सीरियसली सर नॉलेज बहुत ही कम होता है, मतलब आपका वो देखते हैं कि आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है सर, कितना आपके बोलने में कैसा तरीका है, कैसा बिहेव करना है, कैसा बोलना है, कैसे आप मतलब जो कस्टमर्स वहाँ पे आएंगे उसको आप टैकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बात सुन पाएंगे, पेशेंस रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सब चीजें सर मैंने देखा इंटरव्यू में। नहीं गौरव, पता है तुम जो बात कह रहे हो इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे से ये वाले क्वेश्चन पूछे। अभी एक से एक मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो वो कह रहा कि सर यस सर इंटरव्यू लोग झूठ बोलते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, मेरे से तो नॉलेज ही पूछ ली थी। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू जब भी करवा रहा था तो मैं बताता हूँ। इंटरव्यू यस सर बेसिकली चेक करता है कि जैसे तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो उसको पता है कि यस इस सर बंदे यस को बैंकिंग की नॉलेज तो पूरी होगी, तो यस सर इसलिए तुमसे उसने नॉलेज कम पूछा। लेकिन कुछ ऐसे होते ओके हैं, मैं सर तुम्हें यकीन मानोगे, उनके इंटरव्यू की वजह से उनका आईबीपीएस नहीं हो पाया, उनके मतलब कट ऑफ से 12 12 नंबर सीरियसली ऊपर थे, सर कट ऑफ से सीरियसली सर 12 मेरे भी 12। सर काफी मतलब मैंने भी देखा है कि सीरियसली उनका इंटरव्यू वैसे नहीं पाया, इंटरव्यू सर बहुत गेम चेंजर होता है सर, मतलब जो लोग इंटरव्यू को मतलब नॉर्मल उसमें लेते हैं सर वो बहुत गलत करते हैं सर तो वो मतलब बता रहा था एक इंटरव्यू। बंदा कि सर मेरे से इतना कुछ जीए में पूछ लिया उन्होंने कि मैं तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, और 50 नंबर मिले शायद उसको, और वो फेल ही हो गया। मतलब सीरियसली तो कुल मिला के मैं वही बोल रहा हूँ जैसे तुम कह रहे हो ना कि इंटरव्यू का नॉलेज का गेम नहीं है, क्योंकि तुमको उसको पता है कि यार इसको तो नॉलेज होगी। ये कई बार मतलब किस्मत भी कह सकते हो इंटरव्यू ना, बेसिकली कि आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप कर लिया उस टाइम पे। बस सर इंटरव्यू के बाद बहुत डिमोटिवेट हो गए थे कि मतलब मेरा तो होना ही नहीं है क्योंकि बहुत क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन मतलब बहुत कम बताए थे सर, बट जो बताए थे वो मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस बताए थे सर, कॉन्फिडेंस ही शायद मेरा सर शायद आज वो हुआ कि सेलेक्ट हो पाए सर। नहीं यार गौरव, और मतलब तुम मेहनती भी हो, तुमने मतलब जीरो से लेकर वो तुम्हारा जो सफर, तुमने बताया कि 2 3 नंबर आ रहे हैं। मैं बताऊं सीरियसली बहुत सारे सर बच्चे तो लिटरली यार, मैंने देखे हैं ना बहुत सारे बच्चों को आजकल क्या चाहिए, लोगों को खाना नहीं चाहिए, लोगों को मैगी चाहिए, 2 मिनट बन जाए, लेकिन पता सीरियसली नहीं कि सर उस पेशेंस मैगी से बहुत पेट, इंपॉर्टेंट है सर हाँ पेट कितना खराब होने वाला। यही तुम सही कह रहे हो, आज के लोगों में ना पेशेंस नहीं रहा, 6 महीने 8 महीने पेशेंस नहीं है बाद सर लोग सोचते हैं कि अब हो जाना चाहिए था। पर दरअसल ये इंडस्ट्री भी ऐसी हो गई है, लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना देते हैं मैंने 30 दिन में निकाला। अब भाई सीरियसली सर एक आधा एक्सेप्शन होता है सब जगह, तो लोग कंपैरिजन उस लेवल से करने लगते हैं कि यार उसने तो 6 महीने में निकाले। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है लोगों ने, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने निकाला उनका भाई माइंड थोड़ा शार्प है, वो थोड़ा अच्छा पहले से पढ़ के आए बिल्कुल हैं, सर है ना। बिल्कुल सर तो गौरव एक्चुअली ये सर बताओ फिर, हाँ कैपेबिलिटी बताओ। सर सबके अंदर है सर, सब लोग ही कर सकते हैं, बस आपको फेस करना आना चाहिए सर, जो चुनौती हैं जो चैलेंजेस हैं आपको आपको फेस करना आना चाहिए सर, आपको फेलियर आपको अच्छे से फेस प्राउडली फेस करना आना चाहिए सर फेलियर। गौरव तुमने एक बात और सही बोली, मैं काफी लोगों से बोलता हूँ कि एग्जाम इस बात का नहीं कि आपको नॉलेज कितनी, एग्जाम इस बात का भी है कि आपको कितना करना है कितना छोड़ना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बहुत ये सर मैंने तो खुद देखा है सर, खुद एग्जामिन किया अपने आप को, खुद देखा है मैंने सर कि बिल्कुल क्या छोड़ना है, क्या सेलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पिक करने, कौन से क्वेश्चन लेफ्ट करने है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर मैं बताता मेंस हूँ, एग्जाम में खासकर बहुत। एक बंदे का भी पीयू में सिलेक्शन हुआ, बोला सर मेरे को तीन यस सर टॉपिक आज भी नहीं आते, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन। सीरियसली सर सीरियसली मेरे साथ भी सर ऐसा ही है, मुझे टाइम पर आज भी समझ नहीं आता सर, और मैंने तो छोड़ा ही था क्वेश्चन। अकेला मेरे को तीन टॉपिक बोला आज भी नहीं आते सर, लेकिन मेरा पी हो गया, बात खत्म। क्योंकि मेरे को 15 20 नंबर चाहिए थे, मेरे को वहां पे टीचर नहीं बनना मैथ्स का। मैं ठीक है भाई, यही बस बेस्ट है। बस यही है सर सही बिल्कुल सही बोला आपने सर। तो गौरव ये बताओ, मिठाई का डब्बा तुम कब भेज रहे हो? सर मैं सेंड नहीं करूंगा, मैं खुद आऊंगा आपके पास से बेटा की नंबर लेके सर। बिल्कुल यार, आओ यार, मुलाकात करते हैं और बढ़िया से एंजॉय करते हैं, ठीक है। कभी अभी तुम कहाँ बिल्कुल पे सर हो, जी कहाँ से बोल रहे हो? राजस्थान, सर कानपुर कानपुर सर कानपुर कानपुर? उत्तर अच्छा, प्रदेश कानपुर से। तो ठीक है, कभी दिल्ली आओ, है ना, नोएडा आओ, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट सर वेलकम। बिल्कुल सर थैंक यू सर और मिलते हैं गौरव, बढ़िया करके, अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके यार, थैंक यू और सो मच हमें सर भी थैंक यू प्राउड सो फील मच। होता है कि मतलब बच्चे हैं अभी भी जो याद करते हैं, मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छा लगता मैं सर है। आपको 3 साल से याद कर 3 साल के 3 साल से साथ हुए सर आपके, बट कभी ऑनलाइन क्लास नहीं करी क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सर टाइम था नहीं, बस ऑफलाइन ही सर रिकॉर्डेड क्लास से ही बस कोई आपसे सीखा है सर कुछ। दिक्कत नहीं है, तो दोस्त फिर मुलाकात होगी जल्दी, है ना, सेलिब्रेट करेंगे, बढ़िया सी सेल्फी वेल्फी भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू बिल्कुल सर जरूर सर एक दिन जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट, ओके सर थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सर।